गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोग 6.3 को पूरा कंप्लीट किए थे और उसमें हम लोग गुना को सीखे थे, एक पदी का गुना द्विपदी के साथ या फिर त्रिपदी के साथ। अब 6.4 में हम लोग सीखेंगे क्या कि द्विपदी का गुना द्विपदी के साथ कैसे करते हैं। तो ऐसे भी इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं या फिर थ्योरी में भी इसके बारे में हम लोग लिखे हैं इस चीज़। तो यहाँ पर सारा सवाल को ऐसे ही दिया ये कि द्विपदी का गुना द्विपदी के साथ करें। तो एक नंबर में टोटल 5 सवाल दिया है, जिसमें पहला सवाल लिख रहा है क्या कि एक्स प्लस 5 तथा 4x माइनस 3, ये द्विपदी है 2x प्लस 5, और यहाँ पर भी द्विपदी है 4x माइनस 3। अब इसका गुना इसके साथ करेंगे हम लोग। तो ध्यान से देखना इस सवाल में, क्योंकि ये सारा सवाल तुमको आगे क्लास में भी नज़र आएगा, तो इसलिए सारा चैप्टर को अच्छा से पढ़ना होगा। खास करके बीज व्यंजक का जो भी चैप्टर आएगा, यहाँ पे 10-12 चैप्टर होगा तुम्हारी क्लास में, उसको अच्छा से पढ़ना होगा। तो देखो गुना का रूल क्या बताए थे कि इस घर का जो पहला पद है, देखो इस घर का पहला पद 2x है, ये दोनों के साथ गुना होगा, इसके साथ भी गुना होगा, इसके साथ भी गुना होगा। लेकिन हर एक वीडियो में यही बात बताते क्या कि तुम तीन ही चीज़ याद रखो कि पहले संख्या का गुना, चर का गुना और चिन्ह का काम, ये तीन चीज़ में ही सारा काम है। तो सबसे पहले इसका गुना इस दोनों के साथ करते हैं हम लोग। तो इसका गुना इस दोनों के साथ करेंगे तो पहले संख्या 4 × 2 = 8, एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, क्योंकि आगे इसका भी प्लस का चिन्ह है, इसके आगे भी प्लस का चिन्ह है, तो ये रह गया प्लस। अब आ जाओ फिर इसका गुना इसके साथ करेंगे, तो 2 × 3 = 6, इसमें चर है ही नहीं तो इसका चर ही बैठ गया सिर्फ। अब चिन्ह का काम देखो, ये प्लस में, ये माइनस में, तो गुना में प्लस माइनस माइनस बैठ गया। तो इस घर का जो पहला पद था दोनों के साथ गुना हो गया। उसी प्रकार सब इस घर का जो दूसरा पद है, अब ये फिर दोनों से गुना होगा, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। तो चलो फिर से गुना करते हैं हम लोग, 5 × 20, इसमें एक्स नहीं लेकिन इसमें है, तो ये गुना होगा इसके साथ, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो चिन्ह आ गया प्लस का। फिर 5 × 3 = 15, और दोनों में कोई चर नहीं है, ना इसमें चर है ना इसमें चर है, तो सिर्फ 15 रह गया, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पर आ गया माइनस, अब हो गया गुना। अब हम लोग का काम क्या होगा कि आपस में जुटेगा या फिर घटेगा, लेकिन शर्त क्या है कि एक जैसा चर होना चाहिए और उस चर पे एक जैसा घात भी होना चाहिए, तब वो आपस में जुटेगा या फिर घटेगा। तो पहला देखो, ये एक्स स्क्वायर वाला कहीं नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि इसका जाति का कोई है ही नहीं जो आपस में जुटेगा या फिर घटेगा। उसी प्रकार से देखो 6x + 20x, ये दोनों एक जाति का है ना, यहाँ पर भी एक्स है यहाँ पर भी एक्स है, और दोनों पर घात एक जैसा, मतलब इस पर भी घात एक है इस पर भी घात एक है, दोनों एक जाति का होगी। 6x - 20x + तो मतलब ये घट जाएगा, तो 20 में से 6 गया तो बच गया 14x। अब देखो छोटा वाला माइनस है बड़ा वाला प्लस है, तो हमेशा बड़ा का चिन्ह बैठता है यहाँ। अब देखो माइनस का 15 बच गया, तो इस जाति का कोई है ही नहीं तो माइनस का 15, तो फाइनली ये वाला रिजल्ट आया। तो सबसे पहले हम लोग गुना किए, सवाल में जो द्विपदी का गुना था सबसे पहले उसको गुना किए, और उसके बाद फिर क्या किया कि जो आपस में जुटा उसको जोड़ दिया, जो घटा उसको घटा दिया। ये चिन्ह तुम लोग नहीं उतारना, ये सिर्फ हम समझाने के लिए वाला बताएं। तो यहाँ तक उतारो फिर हम लोग आगे सवाल को देखते हैं। देखो ये 1 का 3 नंबर सवाल है, यहाँ पे 10 है, तो हो सकता है कि तुम लोगों को दिक्कत करे सवाल, लेकिन आसान सवाल है। फिर से वही बात है कि इसका गुना इसके साथ एक बार और इसके साथ एक बार। तो चलो हम लोग गुना करते हैं, 10 को तुम भूल ही जाओ, ये चीज़ हम पहले ही बताया गया कि जब भी संख्या में कहीं 10 आए तो उसको तुम पहले भूल जाओ, उसका जो गुना भाग है जोड़ घटा उसका काम करो, उसके बाद फिर 10 के बारे में सोचो। तो तुम इसको ऐसे सोचोगे 25L का गुना 25L से करना होगा, तो 25 × 25 625 होगा। उसके बाद देखो इसमें एक अंक और इसमें एक अंक, तो मतलब टोटल 2 अंक के बाद 10 आएगा, और हमेशा 10 दाएँ तरफ से गिन के देते हैं हम लोग, तो 1 2, तो 10 यहाँ पर आ गया 2 अंक पर। संख्या का गुना हो गया और L × L, L² दोनों प्लस में, तो ये प्लस में रह गया। अब फिर इसका गुना इसके साथ, तो 25 × 5, तो 125। L × M, L M। अब सवाल ये किया क्या कि यहाँ पे 10 कहाँ आएगा, तो फिर से 2 अंक, इसमें एक अंक इसमें एक अंक, तो 2 अंक यहाँ पे। उसके बाद देखो ये प्लस, तो चिन्ह आ गया प्लस का। तो ये पहला वाला पद का गुना इस दोनों पद से हो चुका है। अब उसी प्रकार से इसका गुना इसके साथ और इसके साथ, फिर दोनों पद के साथ गुना होगा, तो हम लोग वही काम करेंगे। अब 5 × 25, फिर से 125। L × M या फिर M × L करो, बात बराबर है, गुना में क्रम विनिमय गुण सत्य है, ये पहले ही पढ़ लिया हम। यहाँ पे एक अंक और यहाँ पे एक अंक, तो 10 यहाँ पे 2 अंक पे बैठ जाएगा,
ये माइनस, ये प्लस, चिन्ह आ गया माइनस। अब फिर इसका गुना इसके साथ, पाँच गुना पाँच पच्चीस, दस एम गुना एम, एम स्क्वायर। अब दशमलव आएगा दो अंक के बाद, इसमें एक अंक, इसमें एक अंक, मतलब यहाँ तो यहाँ पे एक जीरो देंगे इस दशमलव को दिखाने के लिए, नहीं तो इस जीरो का कोई वैल्यू है ही नहीं, सिर्फ इस दशमलव को दिखाने के लिए जीरो देते हैं हम। ये माइनस, ये प्लस, तो चिन्ह आ गया माइनस का, तो हम लोग गुना कर लिए। अब फिर एक जाति का आपस में जुटेगा या फिर घटेगा, अब खोज रहे हैं एल स्क्वायर वाला, कहीं नहीं है तो वो ऐसे ही रह जाएगा। अब फिर स्क्वायर वाला देख लो, और एक पद यहाँ पर है, तो मतलब स्क्वायर वाला को पहले लिख लो, ऐसे भी आंसर मिला हो तो मिल जाएगा, लेकिन नियम क्या है इसमें कि जो बड़ा घात वाला होगा ना उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, ये नियम है इसका, इसको हम लोग पहले लिख लेंगे क्योंकि एम स्क्वायर वाला और कोई है ही नहीं, लिख लिया। अब बचा हम लोग के पास एल एम, एल एम दोनों की जाति का है, तो एक दशमलव दो पाँच, एक दशमलव दो पाँच, दोनों सेम है, देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो ये कट गया, दोनों बराबर है, अगर कम बेसी रहता तो जुटता या फिर घट जाता, लेकिन दोनों बराबर है तो दोनों प्लस माइनस हो गया, मतलब घट के जीरो हो गया, तो आंसर हम लोग के पास यही रह गया। आसान सब गुना है, सिर्फ दिमाग ज़्यादा लगाना हुआ सवाल में, तो आयोग ये सारा सवाल अब तुम लोग बना सकते हो। एक नंबर में टोटल ये सवाल दे दिया पाँच सवाल, पाँचों सवाल ऐसे ही बनेगा, उसी प्रकार से दो नंबर का भी सारा सवाल बन जाएगा क्योंकि उसमें भी गुना का ही बात किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। तीन नंबर में वही बात है, सारा सवाल बनेगा, तीन तक तो सारा सवाल बन जाएगा, तो एक से लेकर तीन तक एक जैसा सवाल दिया है, द्विपदी का गुना द्विपदी के साथ, तो सारा सवाल बना सकते हो। अब हम लोग चार नंबर से सवाल को देखेंगे, पहले इसको उतार लो तब देखते हैं हम लोग चार नंबर का सवाल। अब ध्यान देना, चार नंबर से सवाल का नियम थोड़ा बदल दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर गुना सही से करोगे तो सारा सवाल सही होगा। अब देखो, त्रिपदी का गुना द्विपदी के साथ, एक बात ध्यान रखो, जितना पदी का गुना जितना पद के साथ दे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सारा सवाल बनेगा, लेकिन बात वही है कि ये पहला वाला पद के साथ सबका गुना होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, इसका दूसरा वाला पद के साथ भी सबका गुना, इसके साथ, फिर इसके साथ, इसका तीसरा वाला पद का भी गुना सबके साथ होगा, मतलब जितना पद आए सभी को एक दूसरे के साथ गुना कर देना, तो मतलब इस एक स्क्वायर का गुना दोनों के साथ, ए बी का गुना दोनों के साथ, बी स्क्वायर का गुना दोनों के साथ, इस प्रकार से अगर दिमाग में रहेगा तो एक भी सवाल में नहीं फंसोगे। तो ध्यान देना कैसे हम लोग गुना करते हैं, द्विपदी तक तो गुना सीख ही लिए हैं, लेकिन इसमें द्विपदी का त्रिपदी के साथ दे दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हम लोगों को। तो देखो यहाँ, ए स्क्वायर गुना ए, ए पे घात तीन, ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस में रह गया, फिर ए स्क्वायर गुना बी, तो ए स्क्वायर बी, अब देखो ये प्लस में, ये प्लस में, तो चिन्ह आ गया प्लस का, तो देखो ए स्क्वायर का गुना दोनों के साथ हो गया। अब फिर हम लोग गुना करेंगे ए बी का गुना दोनों के साथ, तो ए बी गुना ए, तो ए गुना ए, ए स्क्वायर हो जाएगा, बी बच गया, अब देखो ये माइनस में, ये प्लस में, तो चिन्ह आ गया माइनस का, फिर ए बी गुना बी, तो ए तो रह गया अकेला ये, क्योंकि इसमें ए है ही नहीं, बी गुना बी, बी स्क्वायर आ गया, अब देखो ये माइनस में, ये प्लस में, तो चिन्ह आ गया माइनस का, तो मतलब ए स्क्वायर का गुना दोनों के साथ हुआ, ए बी का गुना दोनों के साथ हुआ, तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अब आ जाओ बी स्क्वायर का गुना फिर दोनों के साथ, तो बी स्क्वायर गुना ए, तो ए बी स्क्वायर लिखो, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले ए आता है तो बोलने में सही होता है, अगर तुम ऐसे भी लिखोगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, बी स्क्वायर ए बोलेगा तो भी सही है, लेकिन इसको सही से पढ़ने के लिए इसको हम लोग लिख देते हैं क्या, ए बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो देखो ये प्लस में, ये प्लस में, तो चिन्ह आ गया प्लस का, बी स्क्वायर गुना बी, तो बी पे घात तीन, देखो ये प्लस और ये वाला प्लस, तो चिन्ह आ गया प्लस। देखो असल में अगर इस सवाल को देखा जाए ना तो ये सूत्र पे बैठता है सवाल, लेकिन अभी तक हम लोग ना बीज व्यंजक में सूत्र को पढ़े नहीं, आने वाला एक दो चैप्टर में सूत्र आएगा, तो अगर वो सवाल वहाँ पे बनाएंगे तो डायरेक्ट हम लोग सूत्र पे बना सकते हैं। ऐसे भी ये सवाल अगर एग्जाम में पूछ दे तो सूत्र में ही बना देना, क्योंकि ऐसे गुना करोगे तो लंबा भाग जाएगा, लेकिन सवाल में लिखा गया कि गुना करना है, जब सवाल लिखता ना कि गुना करे तब तो गुना ही करके बनाना होगा, लेकिन अगर सवाल में इस प्रकार से लिख दे कि सर्वसामिका के माध्यम से बनाए, तो ये जो सर्वसामिका आता है ना शब्द, इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है सूत्र, कि जो चैप्टर में सूत्र दिया उसके माध्यम से बनाए, लेकिन इस चैप्टर में ऐसा कोई वर्णन ही नहीं किया इसका, इसीलिए हम इस प्रकार से यहाँ पे नहीं बता रहे, नहीं तो ये बहुत ही आसान तरीका से बनेगा, फिर मन में सवाल उठेगा कि तब एग्जाम में कैसे बनाएंगे, लेकिन एग्जाम में ऐसा कुछ लिखता ही नहीं कि आप सर्वसामिका के माध्यम से हल करें या फिर गुना करके हल करें, तो वहाँ पे तुम स्वतंत्र हो, या तो तुम ऐसे गुना करके बनाओ या फिर ये जो रूल अभी आएगा आगे एक दो चैप्टर में तो ऐसे भी बना सकते हो। तो जब हम लोग सूत्र बनाएंगे तो ये सवाल बहुत ही छोटा बनेगा, एक ही लाइन में उत्तर आएगा, तो घबराना नहीं कि ये बहुत बड़ा गुना हो गया, तो गुना का नियम सिर्फ आना चाहिए, बाद बाकी जितना बड़ा है कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देखो क्यू वाला को पहले लिख लो, मतलब घात तीन वाले को,
यहाँ पे आ गया ये, इसके जैसा और कोई था ही नहीं, ये वाला ए पे घात तीन, देखो बी पे घात तीन है तो इसको भी पहले लिख लेते, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी प्लस माइनस में ये कट गया, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस माइनस में कट गया, तो सिर्फ बचा क्या ए पे घात तीन प्लस बी पे घात तीन, तो यही हो गया हम लोग का आंसर। तो यहाँ पे चार नंबर में सवाल दे दिया, ये चार सवाल दिया, चारों सवाल को ऐसे ही बनाना, त्रिपदी का गुना द्विपदी के साथ या फिर द्विपदी का गुना त्रिपदी के साथ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सारा सवाल ऐसे बन जाएगा। इसको यहाँ तक उतारो, फिर पाँच नंबर सवाल को देखते हम लोग। अब ध्यान देना, पाँच नंबर में सवाल दिया बहुत बड़ा बड़ा, लेकिन सवाल में है कुछ नहीं, बात वही है कि गुना करना है, गुना करने के बाद जोड़ घटा जो भी आएगा उसको उसी रूप में कर देना होगा। तो ध्यान देना, द्विपदी का गुना द्विपदी के साथ, समझ में आ रहा है ये बात, फिर द्विपदी का गुना द्विपदी के साथ, ठीक है, और ये दो का गुना अंदर में जितना सभी के साथ। तो सबसे पहले इस दोनों का गुना कर लेते हैं, द्विपदी का गुना द्विपदी के साथ हम लोग पहले ही सीख लिए हैं, ए गुना सी, ए सी दोनों प्लस में तो प्लस, ए गुना डी, ए डी दोनों प्लस, ये प्लस ये माइनस, तो चिन्ह आ गया माइनस, तो ए का गुना दोनों के साथ हो गया, बी गुना सी, बी सी प्लस प्लस दोनों प्लस में तो प्लस का चिन्ह, बी गुना डी, बी डी ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पर आ गया माइनस का चिन्ह। तो मतलब इस दोनों का गुना इस दोनों के साथ हो चुका है। अब फिर आ जाओ, इस दोनों का गुना इस दोनों के साथ, यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे दिए हम लोग, अगर यहाँ पे माइनस रहता ना तो यहाँ पे गुना करने के बाद उसमें जो जो प्लस में आता वो माइनस में बदल जाता, और जो जो माइनस में रहता वो प्लस में बदल जाता, क्योंकि ये प्लस भी सभी के साथ गुना होता है, तो ये प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा गुना में, मतलब वो प्लस के साथ आएगा तो प्लस रहेगा, माइनस के साथ आएगा तो माइनस होगा, इसका चिन्ह में कोई परिवर्तन होता नहीं है। लेकिन जब प्लस यहाँ पे माइनस हो जाता तो उल्टा हो जाता, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस हो जाता। अब ध्यान देना, यहाँ ए गुना सी, ए सी दोनों प्लस में तो प्लस का चिन्ह, ए गुना डी, ए डी ये भी प्लस तो प्लस का चिन्ह, बी गुना, देखो इस दोनों का, इसका गुना इस दोनों के साथ हो गया, अब इस बी का गुना दोनों के साथ, बी गुना सी, बी सी ये माइनस ये प्लस, चिन्ह आ गया माइनस, बी गुना डी, बी डी तो ये माइनस ये प्लस, तो चिन्ह आ गया माइनस, तो इस दोनों पद का गुना दोनों के साथ हो गया। अब अंतिम में देखो, ये जो दो बाहर में है ना तो सभी के साथ अंदर में गुना होगा, तो प्लस का 2ac फिर प्लस का 2bd, तो सारा गुना का कहानी हो गया ख़त्म। अब हम लोग को खोजना होगा क्या कि एक जाति का जो है वो आपस में जुटेगा या फिर घटेगा। अब एक जाति का खोजते हैं, ac, ac यहाँ पर ac, फिर आगे चले कहीं और है तो यहाँ पर ए सी, तीन जगह में ए सी है, तो मतलब ये तीनों एक जाति का है, ए सी प्लस में है, ए सी प्लस में है, ए सी प्लस में, यहाँ पे दो बार, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, तो टोटल चार बार ये प्लस में हो, तो ए सी का काम हो गया। ए डी, ए डी, ए डी और कहीं नहीं है, देखो ये माइनस ये प्लस तो ये कट गया, दोनों बराबर था, कम बेसी रहता तो यहाँ पर इसका कुछ आता, लेकिन दोनों बराबर है। उसके बाद देखो बी सी, बी सी और कहीं नहीं, तो फिर देखो ये प्लस ये माइनस, ये भी कट गया, दोनों समान था। उसके बाद देखो बी डी, बी डी यहाँ पे माइनस में एक बार और यहाँ पर भी माइनस में एक बार और यहाँ पे प्लस में दो बार, तो माइनस में दो बार हो गया, प्लस में भी दो बार हो गया, तो मतलब ये भी कट गया, है ना। देखो इस दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में दो बार आएगा और यहाँ पर प्लस में दो बार, तो ये कट गया। और कुछ बचा इस सवाल में, देख लो शायद और कुछ नहीं बचा होगा सवाल में, तो यही आंसर हो गया हम लोग, मतलब जो भी था वो